अभी भारतवर्ष की स्थिति एक ऐसे बिंदु पर है जहाँ सही धर्म का पूरा लोप हो गया है। धार्मिक व्यक्तियों की प्रताड़ना हो रही है। अभी एक उदाहरण बद्रीनाथ का ले लिया जाए। हम 2 सप्ताह बद्रीनाथ में होकर के आए हैं। बद्रीनाथ धाम में मंदिर का कपाट ब्रह्म मुहूर्त में खुलता ही नहीं था। बद्रीनाथ में करीब 5:15 बजे सूर्योदय होता है और एसओपी में तो 7 बजे खुलने का समय था, लेकिन ये लोग 6 बजे खोले। जब प्रतिवाद किया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के गेट को बंद करना, बद्रीनाथ जैसे मंदिर के गेट को बंद करना क्या उचित है, तब कल से 4 बजे खुलना शुरू। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ बद्रीनाथ में जो कुछ संत वहाँ निवास कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य एकमात्र तप करना, और मुझे कुछ लोग नारायण का दर्शन करते हैं, वहाँ तो पूजा भी नहीं होता, नारायण का दूर से ही दर्शन होता है। जिस मंदिर में पुजारी जा रहे हैं, रावल जी जा रहे हैं, अन्य लोग जा रहे हैं, सैनिटाइजर करने वाला जा रहा है, झाड़ू देने वाला जा रहा है, उधारी जा रहे हैं, उसमें कुछ संत करीब 15 संत थे जो कि वहाँ पर आ रहे थे, इनका लिस्ट दे दिया गया। वो दर्शन कर रहे थे, उनको रोकने का क्या उचित है? और उसमें एक धनराज भारती मौनि बाबा जो करीब 30 साल से बद्रीनाथ में ही बेचारे रहते हैं, और कपट खुलने पर उनका एक नियम था कि नारायण का दर्शन करके ही वो भोजन ग्रहण करते थे। वो अन्य त्यागे हुए हैं, 3 दिन से जल का भी त्याग कर दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब को पता है, हमारे सतपाल महाराज हैं, वही अभी धर्म के मंत्री बने हुए हैं, उनके भी कानों में इस बात का खबर है।